दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो पार्ट टू का एग्ज़ाम लेगा 2019 में, उसके लिए सेंटर लिस्ट जारी कर दिया है। आपका सेंटर कहां हुआ है, कौन से कॉलेज में आपका एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 11 तारीख को आया है और ये 2019 का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर आपका सेंटर का नाम मिल जाएगा और आपके कॉलेज का नाम मिल जाएगा जो आपका एग्ज़ाम कौन से सेंटर पर होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर SI नंबर दिया गया है 1, 2, 3 से, और जितना भी कॉलेज है उसका मैं नाम भी लूँगा और इसी प्रकार से आप खोजिएगा जैसे मैं खोजूँगा। तो यहाँ पे देखिए पहले CM साइंस कॉलेज जो दरभंगा में है, उस कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 कॉलेज का सेंटर हुआ है। पहला KS कॉलेज जो लहरियासराय में है, उसका भी इसी में CM साइंस कॉलेज में हुआ है। MG कॉलेज का, उसके बाद MKS कॉलेज का, उसके बाद QAD कॉलेज का, उसके बाद यहाँ पर ये चारों कॉलेज का जो है CM साइंस में हुआ है। उसी प्रकार से देखिए MLSM कॉलेज दरभंगा में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है। तो देख सकते हैं MRM कॉलेज जो दरभंगा में है, MMTM कॉलेज जो दरभंगा में है, उसके बाद SB कॉलेज जो दरभंगा में है, उसका भी सेंटर यहीं पे MLSM कॉलेज में हुआ है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो MRM कॉलेज है उस कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि NJM कॉलेज जो लहरियासराय में है उसका भी सेंटर MRM कॉलेज में है। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा जो कॉलेज है AMM कॉलेज जो है बेनीपुर में है, उसका भी सेंटर MRM कॉलेज में हुआ है। उसी प्रकार से मरवाड़ी कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है, तो CM साइंस कॉलेज का सेंटर जो है मरवाड़ी कॉलेज में हुआ है। उसी प्रकार से MK कॉलेज लहरियासराय का भी मरवाड़ी कॉलेज में हुआ है। उसके बाद देखिए मिल्लत कॉलेज लहरियासराय में कौन कौन से कॉलेज का हुआ है, तो मिल्लत कॉलेज लहरियासराय में आपको MLSM कॉलेज का हुआ है। उसके बाद यहाँ पर LCS कॉलेज का हुआ है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों CM कॉलेज जो आर्ट है, आर्ट कॉलेज में कौन कौन से स्टूडेंट का हुआ है, तो CM कॉलेज दरभंगा में आपको यहाँ पे है मिल्लत कॉलेज जो लहरियासराय में है, उसके बाद यहाँ पे मरवाड़ी कॉलेज का भी सेंटर CM आर्ट कॉलेज में हुआ है। उसी प्रकार से JN कॉलेज जो नेहरा में है उसका भी सेंटर CM आर्ट कॉलेज में हुआ है। इसके बाद और भी कॉलेज जोड़े जा सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का कोई भी कॉलेज होगा इसमें जोड़ा जाएगा, नहीं भी जोड़ा जाएगा जोड़ा भी जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से आप ये दरभंगा जिला का जितना भी कॉलेज है उसे देख सकते हैं। अब चलिए अगला जो दिखाते हैं वो मधुबनी जिला का भाई दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे चैनल पे मधुबनी जिला का भी है, इसीलिए मैं मधुबनी जिला का भी बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब आते हैं मधुबनी जिला में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 10 नंबर सीरियल में देखिए BSJ कॉलेज जो राजनगर में है उसमें कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए DB कॉलेज जो जयनगर का है उसका भी सेंटर हुआ है। उसके बाद CMJ कॉलेज जो खोटौना में है उसका भी सेंटर हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर SMJ कॉलेज जो खाजेडी में उसका भी सेंटर हुआ है राजनगर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर JDGSD महिला कॉलेज जो है उसका भी सेंटर उसी कॉलेज में हुआ है, JSJ कॉलेज राजनगर में। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों अब यहाँ पे JMDPLM कॉलेज मधुबनी जो कि इस कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है, तो देखिए BSJ कॉलेज जो राजनगर का है उसका भी सेंटर इसमें हुआ है। उसके बाद MB कॉलेज जो रहीकाम है उसका भी सेंटर हुआ है। उसी प्रकार से और भी कॉलेज जो है JN कॉलेज मधुबनी का भी सेंटर उसी में हुआ है। उसी प्रकार से एक अदर कॉलेज भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों BM कॉलेज रहीका में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर है, तो KV साइंस कॉलेज जो है उच्चैठ उसका भी आपका BM कॉलेज रहीका में सेंटर हुआ है। उसी प्रकार से AHSA कॉलेज जो मधुबनी में उसका भी सेंटर हुआ है। RNJD कॉलेज जो कि मधवापुर में है उसका भी सेंटर आपको BM कॉलेज में हुआ है। और आगे चलते हैं दोस्तों LNJ कॉलेज झंझारपुर में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है इसके पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों LNJ कॉलेज झंझारपुर जो मधुबनी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं उसमें पहला कॉलेज HPS कॉलेज जो मधेपुर का है उसका भी सेंटर हुआ है। उसी प्रकार से CMB कॉलेज जो
यहाँ पे घुंघरडीहा का कॉलेज है, डियोर घुंघरडीहा है उसका भी है, उसके बाद पीएलएम कॉलेज जो झंझारपुर का है उसका भी सेंटर हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों अब देख लेते हैं डीएनवाई कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है। तो यहाँ पे डीएनवाई कॉलेज देखिए, डीएनवाई में आरके कॉलेज मधुबनी का सेंटर हुआ है। उसी प्रकार से JMDPLM कॉलेज मधुबनी का भी सेंटर हुआ है। अब यहाँ पे AHSL कॉलेज जो है मधुबनी, उसमें कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है, तो DNY कॉलेज का सेंटर हुआ है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे है MLS कॉलेज जो है सरसापाही का, उसका भी सेंटर आपको मधुबनी में भी हुआ है। किस कॉलेज में, तो इस कॉलेज में AHSA कॉलेज में। उसी प्रकार से SNKM कॉलेज का भी सेंटर जो यहाँ पे भैरव स्थान में है उसका भी सेंटर इसी में हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो कॉलेज है PLM कॉलेज जो झंझारपुर में, उस कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है। तो PLM कॉलेज जो झंझारपुर में उसका जो सेंटर हुआ है, पहले PDKJ कॉलेज अंधरा ठाड़ी मधुबनी का भी सेंटर उसी में हुआ है। और उसके बाद जो लुटन झा कॉलेज जो ननौर झंझारपुर में है उसका भी सेंटर उसी में हुआ है। तो PLM कॉलेज जो है उसमें दो कॉलेज, PDKJ कॉलेज और लुटन झा कॉलेज ननौर का भी सेंटर हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब इस प्रकार से आप अपना कॉलेज खोज सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए समस्तीपुर का भी दिया गया है, समस्तीपुर का भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि रोसरा कॉलेज के लिए बहुत ही स्टूडेंट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रोसरा कॉलेज का जो है कुछ इस प्रकार से है, UR कॉलेज जो है उसमें DBKN कॉलेज जो है उसका भी सेंटर हुआ है, SK कॉलेज का भी सेंटर हुआ है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना कॉलेज ढूंढ सकते हैं। एक चीज़ है दोस्तों, मधुबनी जिला के बहुत ही जाने माने कॉलेज आरके कॉलेज में किसी भी कॉलेज का सेंटर इस बार नहीं दिया गया है। मैं यही आप लोगों को बताने के लिए इस वीडियो में बता दिया हूँ दोस्तों। इस प्रकार से आप अपना कॉलेज यहाँ पर देख सकते हैं, 11/4/2019 का ये इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।